नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं पाम बीच रोड पे हूँ और वाशी की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में सानपाड़ा सिग्नल आएगा, उसके बाद हम वाशी की तरफ जाएंगे। आज का ब्लॉग है वाशी में सेक्टर 30 में हावरे फैंटासिया बिजनेस पार्क कहाँ पे है वो देखना है और कैसे जा सकते हैं वहाँ तक, और उसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। अभी आगे चल के देखते हैं फिलहाल, तो चलिए देखते हैं वाशी सेक्टर 30 हावरे फैंटासिया बिजनेस पार्क। ये देखिए दोस्तों, हम लोग सानपाड़ा सिग्नल पे पहुँचे हैं। यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो आप सानपाड़ा के लिए जा सकते हैं। हम लोग वाशी जा रहे हैं इसलिए हम लोग सीधा जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वाशी रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले हम लोग देखते हैं आप पाम बीच रोड से मुंबई के लिए कैसे जा सकते हैं, वहाँ से फिर वाशी रेलवे स्टेशन चलते हैं, फिर वहाँ से बिजनेस पार्क के लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। ये देखिए हम लोग जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर पहुंच गए। ये सामने आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वाशी रेलवे स्टेशन। ये जो फ्लाईओवर है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से गया है, तो यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आप थाना या फिर ऐरोली के लिए जा सकते हैं। हमको मुंबई के लिए जाना है तो यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं क्योंकि हमें मुंबई के लिए जाना है या फिर वाशी रेलवे स्टेशन के लिए जाना है। ये देखिए सीधी गाड़ियाँ जो जा रही है वो ऐरोली की तरफ जा रही है, थाने की तरफ जा रही है। हम लोग लेफ़्ट में चलते हैं। ये देखिए हम लोग नीचे भी उतर रहे हैं फ्लाईओवर से। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे इनऑर्बिट मॉल है। ये देखिए लेफ्ट साइड में बहुत ही फेमस मॉल है वाशी का। ये देखिए इनऑर्बिट मॉल लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप। हम लोग राइट में चलते हैं क्योंकि हमें हाईवे ज्वाइन करना है। ये सायन पनवेल हाईवे है जो पनवेल की तरफ से आता है मुंबई के लिए। ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे हाईवे, हम लोग अभी हाईवे पहुँच रहे हैं। ये देखिए हम लोग हाईवे अभी पहुंच चुके हैं। ये जो सामने फ्लाईओवर है उसके नीचे से आप राइट लेते हैं तो आप वाशी सेक्टर 17 के लिए जा सकते हैं। आप सीधा जाएंगे तो आप मुंबई के लिए जा सकते हैं। चलिए वाशी रेलवे स्टेशन आप अभी चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो मुंबई के लिए जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से लेफ़्ट में चलते हैं वाशी रेलवे स्टेशन के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे वाशी रेलवे स्टेशन और अपना हावरे बिजनेस पार्क। दोस्तों ये सिग्नल अभी आया है, ये सिग्नल जैसे हम क्रॉस करते हैं हम लोग वाशी रेलवे स्टेशन सामने हमको मिलेगा। ये सेक्टर 30 यहाँ पे स्टार्ट होता है वाशी का। यहाँ पे सभी आपको इन्फोटेक पार्क है, बिजनेस पार्क है, आईटी पार्क है, सभी मॉल है, रघुलीला मॉल है, इनऑर्बिट मॉल है, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे सेक्टर 30 वाशी में।
ये सामने लेफ्ट साइड में आप हावरे इन्फोटेक पार्क देख सकते हैं। ये देखिए सामने अभी वाशी रेलवे स्टेशन आ रहा है। ये देखिए ये जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग अभी आई है ऊंची, ये हावरे इन्फोटेक पार्क है। आईटी बिजनेस पार्क भी यहाँ पे है। मोबाइल से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी सेक्टर 30 में, मोबाइल हो या कंप्यूटर लैपटॉप हो, सभी के आईटी पार्क यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से वाशी रेलवे स्टेशन से अगर आप राइट में जाते हैं तो आप रघुलीला मॉल के लिए जाएंगे। हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं अभी सानपाड़ा की तरफ। ये देखिए हम लोग इनोर्बिट मॉल के पीछे से जा रहे हैं। ये ऊपर से जो ब्रिज जा रहा है ये वही पाम बीच रोड का ब्रिज है जहाँ से हम लोग आए थे। ये जैसे भी हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करते हैं आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये हावरे बिजनेस पार्क है। यहाँ पे हर मोबाइल का आपको गैलरी मिलेगा, हर मोबाइल का आपको शोरूम मिलेगा, आपको ऑथोराइज मोबाइल का कुछ भी काम हो, आपको सर्विस का, सेल्स का, जो भी है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी कंपनी की गैलरी, मोबाइल गैलरी आपको इस हावरे बिजनेस पार्क में आपको मिलेगी। दोस्तों इस पार्क का डिटेल में मैं बाद में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं सानपाड़ा की तरफ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।